नमस्कार अन्ना, मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल यानी कि ग्लिसरॉल के बारे में आज आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। इससे पहले पार्ट नाइन में मैंने आपको व्हाट आर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है वो बताया था, साथ में बताया था कि वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है या हम इसको कैसे लेबोरेटरी में बनाएंगे। ठीक, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी कि ट्रायल्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं। जिसमें पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एचआई, किसके साथ रिएक्शन, ट्रायल्स के रिएक्शन एचआई के साथ। व्हेन ग्लिसरॉल यानी कि ट्रायल्स रिएक्ट विद एचआई इन टू वे, हमारा जो ग्लिसरॉल होता है यानी कि ट्रायल्स होता है हाइड्रोजन एनहाइड्राइड के साथ दो तरह से रिएक्शन करता है। फर्स्ट पेज क्या है, व्हेन ग्लिसरॉल इज फॉर्म विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एचआई, जब वो किसके साथ रिएक्शन करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एच आई के साथ। एच आई की क्वांटिटी क्या है, स्मॉल है, बहुत कम है, ज्यादा मात्रा में नहीं लिया गया है। तो हमें क्या मिलता है, एलाइल आयोडाइड इज फॉर्म, फर्स्ट ट्राई आयोडाइड इज फॉर्म, बट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम आयोडीन कम आउट फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इसका साइज आयोडीन, एक्चुअल में आयोडीन तीन जुड़ता तो है लेकिन आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण हमारा वो इजिली प्रोडक्ट नहीं बना पाता, और इजिली क्या होता है, आई टू ग्रुप में बाहर निकल जाता है। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, देखिए दिस इज द ट्रायल्स, ये हमारा ट्रायल्स है। ठीक है, ये हमारा ट्रायल्स है, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, एच आई के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो जब उसको एच आई के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हो गया, इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, तीन मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, एक यहाँ से, ठीक है, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से, यानी कि तीन ओ एच निकल गया, तीन एच निकल गया, थ्री एच टू एलिमिनेट हो गया, क्या एलिमिनेट हो गया, थ्री एच टू बाहर निकल गया। रिमेनिंग क्या बचा, क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर सी एच टू बचा, यहाँ पर सी एच बचा, यहाँ पर क्या बचा, सी एच टू बचा, और इनके साथ क्या जुड़ गया, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन और तीसरा आयोडीन जुड़ गया। मैंने कहा तीनों आयोडीन जुड़ते हैं, फर्स्ट ट्राइहाइड्राइड इज फॉर्म, ट्राइहाइड्राइड बन गया, दिस इज द ट्राइहाइड्राइड, बट ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ आयोडीन एटम, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, ये बनाओ प्रोडक्ट बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहता है, इसीलिए हम सबसे इसमें इसे क्या निकाल देते हैं, आई टू को एलिमिनेट कर देते हैं, हम इसमें से क्या निकाल देंगे, आई टू को बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, बचा हमारे पास सी एच टू, ये बचा सी एल और ये बचा सी एच टू आई, क्योंकि हमारे पे यहाँ पे कार्बन की वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, बने प्रोडक्ट का नाम क्या कहता है, एलाइल आयोडाइड। तो दिस इज द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज द एलाइल आयोडाइड, इसको हम क्या कहते हैं, एलाइल आयोडाइड। एलाइल का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, कार्बन और कार्बन के इसमें डबल बॉन्ड, उसके बाद कोई हैलोजन, दो कार्बन के डबल बॉन्ड है और तीसरे वाले कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, हैलोजन जुड़ा होता है, तो हम क्या किस नाम से नॉमिनेट करते हैं, एलाइल के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल trials react with HI to give allyl iodide, that means in this case we take the iodine HI in a small amount, हम इसमें क्या लेंगे, HI को क्या लेते हैं, small amount पे लेते हैं, लेकिन यही reaction अधिक मात्रा में ली जाए, when glycerol is heated with a large amount of HI, हम इसको किसके साथ treat करेंगे, HI के साथ तो treat करेंगे, लेकिन इस समय इसके amount क्या है, ज्यादा है, to reduce the propene which is the presence of excess of HI form isopropyl iodide, तो इस समय किसकी प्राप्ति होती है, isopropyl iodide की प्राप्ति होती है। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे ही रहेगा, देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप ऐसे ही है, CH2OH CHOH CH2OH, रिएक्शन तो वैसे ही होती है, बस हमारा HI की क्वांटिटी ज्यादा है। कहने का मतलब है, अगर हमने लैब में रिएक्शन करी है, तो लैब में रिएक्शन करते हैं तो हमने HI की क्वांटिटी ज्यादा डाल दी, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो वही इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए, तीन मॉलिक्यूल्स लिए, हमारे कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए HI के, हमने थ्री मॉलिक्यूल्स यूज करे, वी टेक द थ्री मॉलिक्यूल्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमिनेट द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, वी गेट व्हाट, वी गेट CH2I CHI एंड CH2I, सेम प्रोसेस हमने अप्लाई करी, प्रोसेस तो वही होगी ना, फर्स्ट स्टेप तो वही होगा, देखिए यही एलाइड, बट हमने इसमें क्या लिया है, HI ज्यादा मात्रा में लिया है, HI की क्वांटिटी क्या ली है, ज्यादा ली है, तो दैट मीन्स वी टेक द फर्दर फर्स्ट एलिमिनेट द I2 मॉलिक्यूल, वी गेट व्हाट, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एलाइल आयोडाइड हमारे यहाँ पर बन गया, लेकिन हमने HI की मात्रा ज्यादा ली है, तो हमने दोबारा इसमें HI डाल दिया, कहने का मतलब है टेस्ट ट्यूब में HI की क्वांटिटी ज्यादा डली है। तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, वी फॉलो द मार्गोनिका रूल, हम मार्गोनिका रूल को फॉलो करेंगे, मार्गोनिका रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द मार्गोनिका रूल द नेगेटिव पार्ट अटैच दोज कार्बन व्हिच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो नाउ वी ऐड द हाइड्रोजन, नाउ वी ऐड नेगेटिव पार्ट इन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हमारा डबल बॉन्ड ये है, तो हम नेगेटिव पार्ट को लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे जोड़ेंगे, यानी कि क्या हो गया CHI, ये एज इट इज रहेगा CH2I और यहाँ पर जुड़ गया H, यहाँ पर HI को जुड़ा तो आयोडीन नेगेटिव पार्ट यानी कि जहाँ कम है वहां पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, क्या बन गया, फिर हमारा दो मॉलिक्यूल्स आयोडीन के इसमें प्रोड्यूस होगा, जैसे कि ये बना,
ये बना हुआ प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल होगा। फिर वही बात आई, क्यों अनस्टेबल होगा? इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया आयोडीन का साइज बड़ा होता है, दो आयोडीन मॉलिक्यूल एक फॉर्म में रहेंगे तो अनस्टेबिलिटी डेवलप होगी, इसलिए बना प्रोडक्ट क्या होगा? अनस्टेबल होगा। सो फर्दर वी एलिमिनेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ आई2, हम इसमें से दोबारा से क्या निकाल दें, आई2 को बाहर निकाल देंगे। आई2 को बाहर निकाला तो हमें क्या मिला, सी एच थ्री क्या सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक हमारा प्रोडक्ट बन गया है। ठीक इसे पे हमने क्या कहा, प्रोटीन का, लेकिन हमें तो हमारा प्रोडक्ट बन गया और हमने इसको क्या कह दिया कि प्रोटीन का, बट हमें तो एच आई ऐड करना था, एच आई ऐड करना था, हमारा तो एच आई ऐड करने के लिए एच आई जुड़ा ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट बन गया एच आई, तो फर्दर भी ऐड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एच आई, हमने इसमें दोबारा क्या जोड़ दिया, एच आई को जोड़ दिया। फिर वही बात, मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल द नेगेटिव पार्ट अटैच दोज कार्बन विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो हमने नेगेटिव पार्ट कहाँ जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, हमारा आयोडीन यहाँ पर जुड़ गया, आयोडीन यहाँ पर जुड़ा और एच यहाँ पर जुड़ गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया टू आयोडो प्रोपीन। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद एच आई, तीनों पोजिशन पे क्या जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा और थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे। देन यू नो दैट आयोडीन इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो सेकंड स्टेप में हमने क्या निकाल दिया, आई2 को बाहर निकाल दिया, दिस आई2 इज एलिमिनेट, द प्रोडक्ट इज एल आई लॉयडाइड, यहाँ तक की हम रिएक्शन एक्सप्लेन कर चुके थे। बट वी टेक द एच आई इन एक्सेस अमाउंट, सो वी फॉलो द मार्कोनिक ऑफ रूल, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ रूल द नेगेटिव पार्ट अटैच दोज कार्बन विच हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो नाउ वी ऐड CH3, नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ कम होंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट हमने यहाँ पर जोड़ा और हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ा, हमारा बन गया CH3I2, लेकिन इसमें फिर दो मॉलिक्यूल्स आयोडीन के हैं, तो हमने इसमें से दोबारा से आयोडीन के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट कर दिया, हमारा प्रोडक्ट प्रोटीन बन गया। हमने इसके बाद दोबारा एच आई जोड़ा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है तो इसलिए हम बार बार जोड़ने के लिए ऑब्जेक्शन नहीं बनी होगा, दोबारा मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करेंगे, नेगेटिव पार्ट अटैच होगा जहां पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो नेगेटिव पार्ट आयोडीन को हमने लीस्ट नंबर पर जोड़ा और हाइड्रोजन को यहाँ पर जोड़ा, बना प्रोडक्ट प्रोपीन, और यहाँ पर ये प्रोपीन था जिससे हमें क्या बन गया, प्रोडक्ट टू आयोडो प्रोपीन। तो दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस टू आयोडो प्रोपीन विद द हेल्प ऑफ ग्लिस्टॉल, यानी कि ट्रायोल्स की सहायता से हम क्या बनाएंगे, प्रोपीन भी बना सकते हैं और इससे हम क्या बना सकते हैं, टू आयोडो प्रोपीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन वी ट्रीटेड विद एच आई विद एक्सेस अमाउंट। ठीक, ये थी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल। नेक्स्ट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लिसरॉल आपकी क्या है, देखिए रिएक्शन विद HNO3 के साथ रिएक्शन, ग्लिसरॉल की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, HNO3 के साथ कर रहे हैं। व्हेन वन पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल थिन स्ट्रीम इज एडेड टू थ्री टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3, हम थ्री टाइम्स कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, एंड फाइव पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ कैटलिस्ट, द ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन इज फॉर्म, हमें क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जिसे हम ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक तरह का नोबल्स ऑयल्स के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस मैं अभी नीचे करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द HNO3, HNO3 को हमने क्या ब्रेक कर दिया है, HNO3NO3, ठीक है, ये हो गया NO2 और बचा क्या, O, तो ये हमने करा OH। ठीक, तो हमने HNO3 को ऐसा ब्रेक कर दिया, तीन मॉलिक्यूल चाहिए, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका OH, इस वाले का H, इस वाले का OH, इस वाले का H, इस वाले का OH, इस वाले का H, क्या निकल गया, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एलिमिनेट हो गए, बचा क्या, CH2CH CH2 CH2CH CH2, ओ ओ ओ ओ, यहाँ पर क्या जुड़ा, NO2 NO2 NO2, बना हुआ प्रोडक्ट हो गया नाइट्रोग्लिसरॉल, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, नोबल ऑयल के नाम से जानते हैं, नोबल ऑयल हमारा प्रोड्यूस होता है। मैंने कहा आपको मैं इसके बारे में बताऊंगी, कहा नोबल ऑयल क्या होता है, तो देखिए थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इज येलो ऑयली लिक्विड, इट इज पॉइजनियस एंड कॉजेस हेडेक, पॉइजनियस होता है, इसके कारण सर दर्द डेवलप होता है, पॉइजनियस बहुत तीखी स्मेल होती है, इट एक्सप्लोड वॉलेंटली व्हेन हीटेड रैपिडली ऑन सब्जेक्ट टू सडन शॉक, शॉक डेवलप होता है इससे, इट बिकम ए सेफर एक्सप्लोसिव, बहुत बड़ा वाला एक्सप्लोसिव है लेकिन सेफ है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक है लेकिन सेफर है, व्हेन एब्जॉर्ब ऑन क्लेंजिंगर इट इन दिस फॉर्म इट इज नोन एज अ डायनामाइट, इसे हम किस नाम से जानते हैं, डायनामाइट के नाम से जानते हैं, डायनामाइट वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द अल्फर्ट नोबल इन 1867, इस ये एक तरह का ये डायनेमिक प्रॉपर्टी शो करता है जो फर्स्ट टाइम अल्फर्ट नोबल ने 1867 में डिस्कवर किया था। तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी की जरूरत है, इसको बनाते वक्त बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट
प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक क्लोराइड। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक क्लोराइड, तीनों में से किसी को भी हम ले सकते हैं। नाउ वी टेक द एसिटिक एसिड या एसिटिक क्लोराइड। एसिटिक क्लोराइड का मतलब हो गया एच हटा के वहां पर हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। इस रिएक्शन को मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये हमारा ग्लिसरॉल यानी कि ट्राइओल है हमारा, दिस इज द ट्राइओल। ट्राइओल ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, तो हमने क्या निकाल दिया आंसर, यहाँ से निकाला OH और यहाँ से निकाला H, तो बचा क्या हमारा, या ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ से निकाला आपने H और यहाँ से निकाला आपने OH, यहाँ से H निकाला यहाँ से OH निकाला, तो नीचे वाली चीज एडिटेड स्टेबल है, देखिए CH2OH, ये बचा क्या CH2O, यहाँ से हमने निकाला है H, देखिए H निकाला आपको मैंने बोला तो CH2O, ठीक है, यहाँ से OH निकल चुका था, बचा क्या COCH3 यहाँ पे जुड़ गया। दिस इज नॉट ए स्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर हमारी रिएक्शन एसिटिक एसिड या एसिटिक क्लोराइड के साथ हो रही है, सेम ही प्रोसेस है, अगर ये क्लोराइड होता तो यहाँ पर से एच और यहाँ पर से सीएल बाहर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक, फिर यही रिएक्शन, क्योंकि आपको मैंने बताया था ग्लिसरॉल की जो पहला कार्बन और थर्ड कार्बन है वो क्या होता है, सेम होता है। आप इसके लिए पार्ट नाइन को देखिएगा, फर्स्ट कार्बन और नाइन्थ, फर्स्ट पार्ट नाइन में मैंने आपको बताया था कि दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा अल्फा कार्बन, आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो दैट मींस एक मॉलिक्यूल जुड़ने से नहीं होगा, दोबारा एसिटिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल सेम वही प्रोसेस फॉलो करेगा, यहाँ से एच गया और यहाँ पर से क्या गया, OH गया, एलिमिनेट हो गया, बनाओ प्रोडक्ट CH2O CH2O COCH3। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ व्हेन ग्लिसरॉल ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, हमारा ग्लिसरॉल की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, एसिटिक एसिड के साथ होती है। Then further it should be treated with acetic acid. ये further दोबारा किसके साथ treat करेगा, acetic acid. ऐसा क्यों करा, अब मैं आपको बताती हूँ। You know that this carbon is the alpha carbon, this carbon is the alpha carbon. दोनों carbon alpha carbon है, आप दोनों reaction यहाँ पर दिखा सकते हो। तो हमारे alpha carbon का हमारे क्या हो गया, OCOCH3 जुड़ गया। But reaction is not done in the beta carbon. ये carbon कौन सा carbon है, this carbon को हम क्या कौन सा carbon कहते हैं, beta carbon. So further we treat the molecules of acetic acid on the reaction is followed and further eliminate the molecules of H2O. तीनों reaction एक साथ नहीं होगी, हालांकि आप ये कर सकते हो कि alpha और alpha dash carbon का reaction, यानी कि यहाँ पर आप further यहीं पर आप इसको आप ऐसे दिखा सकते हो CH2OCOCH3, but beta carbon को होने वाली reaction further से we take the molecules of acetic acid and we get the product. This is the triols product with acetic acid. ये थी हमारी acetic acid के साथ reaction. Now इसके बाद next chemical properties है formation of resin. Glycerol का use किसने किया जाता है, resin बनाने के लिए भी किया जाता है। कैसे, देखिए glycerol react with the phthalic anhydride forming polyester or glypetals. Each of the three OH group is glycerol form an ester linkage with the anhydride to give the thermosetting प्लास्टिक। ये हमारा क्या बनाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। हमारे पास प्लास्टिक दो टाइप की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि जो बहुत हार्ड प्लास्टिक होती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ग्लिसरॉल का यूज हमारा थर्मोप्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है, जिसका बनाओ प्रोडक्ट क्या कहलाता है, ग्लिपेटल्स कहलाता है। जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है, एस्टर का मतलब आपको मैं बता चुकी हूँ RCOO RS, इसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्टर के नाम से जानते हैं। तो यानी कि हमारी जो लिंकेज बनेगी, कौन सी लिंकेज बनेगी, एस्टर लिंकेज बनेगी। ठीक, दूसरी बात, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होने के साथ मैंने कहा ग्लिपेटल बनाता है, जो कि एक पॉलीएस्टर है, यानी कि एस्टर ग्रुप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया गया, प्रीफिक्स पॉली इंट्रोड्यूस करा गया है। तीसरी बात, एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारा जो बनता है पॉलीएस्टर जो है, ये एक तरह का क्या है, रेजिन है, जो कि हमारा मेनली यूज होता है एल्काइल रेजिन के नाम से जाना जाता है। मार्केट में ये पेंट इंडस्ट्रीज में जो पेंट कोटिंग करने के काम आता है, वही हमारे क्या है, ये एक तरह का रेजिन होता है, जो हम किसके थ्रू बनाते हैं, आपके ग्लिसरॉल के थ्रू बनाते हैं। कैसे, देखिए रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है, थैलिक एनहाइड्राइड, वी टेक द मॉलिक्यूल्स ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड, ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, जिसको मैंने वर्टिकल ना रखते हुए हॉरिजॉन्टल रख दिया है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये हमारा CH2OH है, हमें रिएक्शन करानी थी, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हम इसको ऐसे वर्टिकल भी रख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, जिस अनुसार रिएक्शन कराने आप इसको वैसे अरेंज कर सकते हैं, पोजीशन सही होनी चाहिए। सो नाउ द बॉन्ड इज ब्रेक, यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक हो, या तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्राइड ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिस इज द एनहाइड्राइड ग्रुप, हमारा कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप है, और हमने बॉन्ड को या तो यहाँ से या तो यहाँ से ब्रेक करा है। आप बॉन्ड कहीं से भी ब्रेक करिए, फिलहाल हमने जहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा वो ब्रेक करा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा है, तो हमारे पास क्या हो गया, इतना ग्रुप एक तरफ हो गया, यानी कि क्या बना हमें COO, हमारा ये ग्रुप एक साथ आया। तो देखिए हमने बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करा,
हमारा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, ये वहां निकला, ये आगे रिएक्शन करेगा, इसका मतलब है इसको ऊपर की तरफ को रखना था, रिमेनिंग हो गया सी ए, बचा क्या सी एच टू, दिस इज द सी एच टू, दिस इज सी एच, दिस इज सी एच, दिस इज सी एच टू, दिस इज सी एच टू, ये हो गया आपका ओ, ये हो गया ओ, ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ पॉलीएस्टर, पॉली का मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होता, मैंने आगे से लिख रखा है कितने मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर तक हो गया, ये आपकी बॉन्ड यहाँ तक हो गया, फिर इसका दोबारा फर्दर रिएक्शन देगा सी डबल बॉन्ड ओ, जैसे यही रिएक्शन है आगे, फिर आपका सी डबल आगे बेंजीन के साथ एस्टर ग्रुप चलता रहेगा, ठीक। अब इस वाले का क्या करा, ये फिर थैलिक एनहाइड्राइड के साथ इसने रिएक्शन नीचे करी है, ये सी डबल बॉन्ड ओ आपका एस्टर ग्रुप था आपका, देखिए ये आपका ग्रुप था आपका क्या एनहाइड्राइड ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए तो सी एच, ये हो गया सी एच, ये हो गया ओ, एच एलिमिनेट हो चुका है, एच टू वहां निकल रहे हैं सब में, ठीक है, और बचा क्या आपका सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज द सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ को हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा, तो अब इसको हॉरिजॉन्टली हमने कैसे दिखाया, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बेंजीनिंग आ गई आपका, ये आपका, तो दिस इज द चेन रिंग स्ट्रक्चर। हम मैं इसको बोर्ड में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिख के, आप भी एक मॉलिक्यूल लिख के इसको किसमें दिखाओगे, एन करके शो करोगे, दिस इज द एन, एन मैंने आपको पहले बोला दिस इज द पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर देखिए आपका आर सी ओ आर डैश, दिस इज द एस्टर ग्रुप, तो दिस इज द आर सी ओ आर डैश, ठीक है, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ये हो गया आर सी ओ आर डैश, ये पूरा आर डैश ग्रुप हो गया, ये हो गया R, हो गया CO R, तो इसको हम क्या कहते हैं एस्टर कहते हैं, तो N मॉलिक्यूल्स आपके थैलिक एनहाइड्राइड के ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करके हमारे क्या बनाते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं गिलपेटा यानी कि पॉलीएस्टर के नाम से जानते हैं। आपको बार बार कह रही हूँ इसका यूज पेंट इंडस्ट्रीज में किया था, पेंट जो प्लास्टिक पेंट कोटिंग होती है वो यही होती है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करा आपने COO, अब क्या आ गया सी एच टू आ गया, ये हो गया सी एच, इसका एच एलिमिनेट हुआ, एच टू निकल रहा है बार बार सबके, ये हो गया ओ, ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ सी एच टू ऐसे ही रहा, ओ हो गया, फिर ये आपके दूसरे मॉलिक्यूल्स, आगे एन मॉलिक्यूल्स, फिर आगे एन मॉलिक्यूल्स चलते रहेंगे, और ये रिएक्शन आपके लगातार चलती रहेगी, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा गिलपटा यानी कि पॉलिएस्टर बनता रहेगा, तो दिस इज द रिएक्शन टू प्रोड्यूस गिलपटा आपका बनता है, ठीक। तो ये हमारी कुछ चार पांच रिएक्शन थी जो आज हमने आपका पार्ट 10 में कंप्लीट करी, अभी आपकी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई है, कुछ अभी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपकी ग्लिसरॉल की बीएससी सेकेंडरी में आती है, और इस साल का बीएससी सेकेंडरी का पेपर देख भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से आई है, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।